हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने गुरुवार को एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद भारतीय क्रिकेट जगत में तहलका मच गया। पोलार्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को टैग करके ये ट्वीट किया था, जिसमें पोलार्ड ने आकाश चोपड़ा पर तर्ज कसते हुए पूछा था कि क्या उनके फैंस और फॉलोअर्स में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पोलार्ड ने ये ट्वीट कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया। अब पोलार्ड द्वारा किए गए इस ट्वीट के मायने क्या थे, ये तो पोलार्ड को ही पता होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ने आकाश चोपड़ा को लताड़ उनकी आलोचना करने की वजह से लगाई है। हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल के 15वें सीजन में पोलार्ड के प्रदर्शन को देखकर आकाश ने कमेंट्री बॉक्स से पोलार्ड की खूब खिंचाई की थी। अब आईपीएल 2022 में किरण पोलार्ड अपनी फ्रेंचाइजी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे और जिसकी वजह से उन्हें आखिरी के कुछ मैचों में प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह कुछ नई चेहरों को खेलने का मौका भी दिया गया था। और इसी कारण से क्रिकेट एक्सपर्ट और दिग्गजों ने पोलार्ड की जमकर आलोचना की थी और जिनमें आकाश चोपड़ा भी शामिल थी। तो पोलार्ड ने अपने डिलीट किए गए ट्वीट में ये लिखा, उम्मीद है कि फैन बेस और फॉलोवर्स बड़े होंगे, ऐसा करते रहें, #T20। अब आपको बता दें कि पोलार्ड उन चार मुख्य खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था। पोलार्ड ने आईपीएल 2022 में 11 मैच खेले थे जिनमें वो सिर्फ 144 रन ही बना सके थे और इस दौरान वो कई मौकों पर टीम को जीत भी नहीं दिला सके और इस सीजन उनका औसत 14.40 था जबकि स्ट्राइक रेट 107.46 का ही रहा था। तो चोपड़ा ने पोलार्ड के फॉर्म को देखते हुए ये तक कह दिया था कि ये MI यानी कि मुंबई इंडियंस के साथ उनका आखिरी सीजन हो सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने एक वीडियो में ये भी कहा था, मुझे लगता है कि हमने किरण पोलार्ड को आखिरी बार देखा है, 6 करोड़ रुपए रिलीज हो जाएंगे यदि वो उसे बनाए नहीं रखते हैं। अब इन सब के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पोलार्ड ने आकाश को उन्हीं की भाषा में अब जवाब दिया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।